अभियान बनाया हुआ है आप लोगों ने, पूरा पिपला विधानसभा हर 36 बिरादरी भाई के साथ है और भारी जन समर्थन जो उन्हें प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ साथ अटाली अपना रहिए हमारे जितने बुजुर्ग भारतवर्ष में अटाली गांव का नाम रोशन करने वाले शहीद की पावन नेपाल जी, पृथ्वी की जनता आज आपके समर्थन में सड़कों पर उतरी है और अटाली गांव में इतना भारी जो जनसभा का आयोजन किया है, क्या मानते हैं? देखिए, गांव अटाली में ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है और आज जो पूरा गांव अटाली की माताएं बहनें बुजुर्ग और मेरे युवा साथी जो मेरे कॉलेज टाइम के भी साथी रहे हैं, उन लोगों ने आज पूरा अटाली इकट्ठा कर लिया है। 200-300 मोटरसाइकिलों के साथ मुझे दफ्तर पर लेने गए हैं, बहुत सारे ट्रैक्टर, बहुत सारी गाड़ियाँ, उस काफिले के साथ आज गांव में मेरा स्वागत किया है और हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग जुड़े। ये केवल एक गांव का मेरा प्रोग्राम है, केवल अटाली का, और आज पूरा अटाली ऐसा लगता है जैसे 36 बिरादरी के साथ नेपाल राम को ताकत देने के लिए खड़ा हुआ। जब जनता ही जनता से वोट मांगने पर उतर आए तो जीत कितनी बड़ी समझते हैं? उसका रिकॉर्ड बनते हैं, उसके इतिहास बनते हैं। जब जनता जनार्दन 36 बिरादरी ही लोगों से आपस में वोट मांगने लगे, वो दुनिया को दिखाई दे जाता है, तो उसके इतिहास बनते हैं और निसंदेह पृथला विधानसभा सीट एक इतिहास बनने जा रही है, एक रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। आने वाली 19 तारीख को जनता एक भारी जनसभा का आयोजन करने जा रही है चंदावली में, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 36 बिरादरी की जो जनता है वो ये चुनाव लड़ रही है और वो जो करती है उसमें मैं अपनी दखलंदाजी नहीं देता। अब जनता ने मन बनाया है कि दोबारा एक रैली 19 तारीख को 9:30 बजे अपने ग्राउंड में, चंदावली ग्राउंड में करेंगे और जो कोई कमी रहेगी ये चुनाव में उसकी तैयारी पूरी करके एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। राजनाथ सिंह को छायसा में बुलाया जा रहा है जनसभा के लिए, क्या कुछ फर्क पड़ सकता है राजनीति में? देखिए, ये 36 बिरादरी का चुनाव है, माननीय राजनाथ जी, माननीय मोदी जी के देश उनका सम्मान करता है और लेकिन जहाँ तक पृथ्वी की बात है, पृथ्वी में सम्मान उनका बरकरार रहेगा लेकिन कोई रैली में जाने के लिए तैयार नहीं है, ना वोट देगा भाजपा को यहाँ पे और ना उनकी रैली में जाएगा। आपने अभी मुख्यमंत्री जी का रैली देखी थी, आज आप मेरी रैली देख लो, आज हमारे जो एक गांव का आयोजन है वो उनकी रैली से ज़्यादा बड़ा है। इसका कंपेरिजन कर लो, आपको पता लग जाएगा कि जनता का क्या चाहती है।